ये ट्रैक्सेस एक्स मैक्स के पीछे मैंने मेरी कार को बांध दिया। देखते हैं मेरी कार को ये हिला पाती है या नहीं। ओ माय गॉड। हेलो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला था कि ट्रैक्सेस एक्स मैक्स खरीदने के लिए। देखो, खरीद के लेके आ चुका हूँ। ये ट्रैक्सेस की सबसे ज्यादा बड़ी आरसी कार है, इसका प्राइस है 1,40,000 रुपीज। चलो गाइस, फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है ट्रैक्सेस एक्स मैक्स 8S का बॉक्स। बहुत सारे लोगों के पास इंडिया में ट्रैक्सेस 4S होती है गाइज, मेरे पास देखो 8S है। 4S से ये कार दो गुना ज्यादा बड़ी होती है और दो गुना ज्यादा पावरफुल भी होती है। इसकी स्पीड देखो 50+ mph दिया गया है, यानी कि किलोमीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 के आसपास तक आराम से चलेगी। हार्डवेयर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके अंदर कौन से हार्डवेयर है सारी चीजें यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ये कार कम्प्लीटली वाटर प्रूफ भी है और इसके अंदर सेल्फ ब्राइटनिंग सिस्टम भी दिया गया है। मैं यहाँ से अनबॉक्स करके बता देता हूँ। गाइस, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो और फटाफट से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। कार देखो यार, बहुत ज्यादा बड़े साइज की है, पैकिंग भी बहुत अच्छे से कर रखी है इन लोगों ने। एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। यहाँ पर इसके कुछ टूल्स वगैरह है कार को खोलने के लिए, या फिर इसके कुछ भी नट्स वगैरह लूज हो जाते हैं तो इनको यूज करके हम लोग टाइट वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट काफी ज्यादा सही है यार, मैंने तो आज तक इस तरह का रिमोट कभी नहीं देखा है। देखो यहाँ पे दो नॉब्स है, ऊपर की तरफ सेट का एक बटन है, मेन्यू का एक बटन है। इसको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से सेट करके चला सकते हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग बहुत ज्यादा टेक्टाइल है। यहाँ पर इसका ट्रिगर है। रिमोट का साइज काफी ज्यादा सही है। नीचे की तरफ 4 AA बैटरी डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। तो इसके साथ और भी अटैचमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि ये बैटरी का कुछ अटैचमेंट है। यहाँ पर एक बुक है, ये इसकी यूजर गाइड है। बुक देखो यार कितनी ज्यादा मोटी है, और इसके क्या क्या पार्ट्स है वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। इसके चार्जर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर कुछ स्टिकर्स वगैरह दिए गए हैं इसके ऊपर लगाने के लिए। फिलहाल मैं स्टिकर्स बाद में लगाऊंगा। यहाँ पर एक और यूजर गाइड दी गई है, ये सारी चीजें मैं रखता हूँ साइड में। यहाँ पर ये शायद इसका वारंटी कार्ड है यार। अच्छा, वारंटी कार्ड भी मिला है। यहाँ पे ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, ये एक गियर भी इसके अंदर दिया गया है। अगर ये गियर हम लोग इसके अंदर लगाएंगे तो गाइस इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और बैटरी के आसपास में देखो ये लगाने के लिए कुछ फोम वगैरह भी दिया गया है। निकालते हैं हमारी ट्रैक्सेस एक्स मैक्स आरसी कार को यहाँ से। ये देखो यहाँ पर है इसके बैटरीज। बैटरीज के साथ में नहीं आती है गाइस, ये बैटरीज सेपरेटली खरीदनी पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ईंट पकड़ा हूँ यार। 5200 mAh की बैटरी है, 14.8 वोल्ट की एक बैटरी दी गई है। ये कार के अंदर दो दो बैटरी डालनी पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज इसके अंदर आएंगी तो इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी निकालते हैं यहाँ से हमारी ट्रैक्सेस को बाहर। इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ, इतनी ज्यादा बड़ी है यार, आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसको टेस्ट करने पर। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं गाइस। इसका हार्डवेयर मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ से ओपन करना पड़ता है। क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है यार। यहाँ पर वेलिनियन की ब्रशलेस मोटर दी गई है, इसके अंदर फैन भी दिया गया है ताकि मोटर कूल रह सके। यहाँ पर लगानी पड़ती है हम लोगों को दो दो बैटरी। यहाँ पर इसका ESC है, ESC भी पूरी तरीके से मेटल की कवरिंग से कवर किया गया है। का साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है, और व्हील्स काफी ज्यादा फ्लफी है। ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा अच्छी ग्रिप भी दी गई है, काफी ज्यादा तगड़ी मेरे को लग रही है। देखो गाइस मेरे हाथ जितने बड़े इसके अंदर सस्पेंशन लगाए गए हैं, और ये सस्पेंशन पूरी तरीके से एडजस्टेबल है। पूरी तरीके से ऑयल फील्ड सस्पेंशन इसके अंदर लगाए गए हैं। बम्पर काफी ज्यादा सॉलिड है। ये कार के अंदर ज्यादातर जो पार्ट्स है प्लास्टिक के ही यूज किए गए। यहाँ पर इसका सर्वो है, ये सर्वो बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। देखो अभी इसके अंदर बैटरी लगाते हैं गाइस। यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, फिर इसका कनेक्शन दे देंगे फटाफट से हम लोग। एक बैटरी लग चुकी है, दूसरी वाली बैटरी को इस तरफ लगा देंगे। लुक देखो यार कितना ज्यादा जबरदस्त दिखाई दे रहा है। रेड कलर में तो ये कार एकदम बवाल दिख रही है। अगर इसके बाजू में मैं WL टॉयज रखता हूँ तो देखो गाइस ट्रैक्सेस के सामने ये छोटी बच्ची नजर आ रही है। अगर ट्रैक्सेस के साथ कोई कार कंपीट कर सकती है साइज में, मॉन्स्टर जैम एल टोरो है। मॉन्स्टर जैम एल टोरो का साइज बिल्कुल इतना ही है, पर मॉन्स्टर जैम के व्हील्स देखो यार ट्रैक्सेस से भी ज्यादा बड़े दिए गए हैं। पर एक फर्क है दोनों के अंदर, ट्रैक्सेस के व्हील्स प्योरली रबर के बनाए गए हैं, इसके व्हील्स प्योरली स्टायरोफोम के बनाए गए हैं। इसके व्हील्स काफी ज्यादा हल्के फुल्के होते हैं, और ये कार पानी के ऊपर तैर भी सकती है। तो गाइस मेरे पास इस तरह का होवर बोर्ड भी है। होवर बोर्ड के व्हील्स का साइज देखो यार, ये कार जितना बड़ा है। तो गाइस सभी कार्स को मैंने यहाँ पे देखो रख दिया है। अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे गाइस आज कौन सी कार जीती है। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। ट्रैक्सेस एक्स मैक्स को ऑन करते हैं, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ स्विच है। इसके अंदर से आवाज सुनो यार कितनी ज्यादा आ रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फैंस दिए गए। ये कार के अंदर एक बहुत ही कूल फीचर मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं सेल्फ राइटिंग फीचर। कार को मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, इसके सामने के व्हील्स देखो अपने आप ही टर्न हो रहे हैं। मैं रिमोट के अंदर इसको बिल्कुल भी टर्न नहीं कर रहा हूँ। अब इसके सेल्फ राइटिंग फीचर को व्हीली करते वक्त टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कार अभी क्रैश होते होते रह गई है, इसका सिस्टम अपने आप ही कार को सही कर देता है जब ये क्रैश होने वाली होती है। देखो यहाँ पे भी अभी क्रैश होते होते रह गई है,
इस वजह से ये कार के अंदर व्हीली मारना बहुत ज्यादा इजी है। अभी कार की टफनेस टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे जानबूझकर मैंने इसको क्रैश करा दिया है। देख सकते हो कार पूरी रगड़ खाती हुई रोड के ऊपर जा रही थी। यहाँ पर मुश्किल से ही मेरे को स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं। इसकी बॉडी बहुत ज्यादा टफ मटेरियल से बनाई गई है। अभी ब्रेक्स टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेक लगाने ही वाला था, उतने में यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जिमनी का पूरा बोनट टूट गया यार। इतनी मजबूत कार टूट गई यार। W12429 को टेस्ट करते हैं। इसके अंदर भी मैंने अपग्रेड करके इसकी मोटर रिसेंटली चेंज की यार। जब से मैंने मोटर चेंज की है इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखो कैसे व्हीली कर रही है ये कार। जिमनी को मैंने टेप वेप लगाकर सही कर दिया यार। अभी देखते हैं सही से चल पाती है या नहीं। हाँ गाइस देख सकते हो जिमनी में अभी भी दम है यार। ये पूरी तरीके से आज टक्कर देने वाली है एक्स मैक्स को। अभी मैं रेस कराने वाला हूँ ये दोनों कार के बीच में। देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीतता है। दोनों ही व्हीली मारकर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी जैसे ही मैंने दोनों के अंदर फुल ट्रिगर दबाया है स्मैक्स के हवा के झोंके के कारण देख रहा है झाड़ियों में क्रैश हो चुकी थी। इतनी ज्यादा पावर है स्मैक्स के अंदर। इसके आसपास भी कोई भी कार नहीं आ सकती है रेस के मामले में। अभी टग ऑफ वॉर कराते हैं ट्रैक्सेस एक्स मैक्स वर्सेस होवरबोर्ड के बीच में। देखते हैं गाइस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर ट्रैक्सेस ने यार मेरे पैरों के नीचे से होवरबोर्ड ही खींच लिया यार। कितनी ज्यादा पावरफुल है। अभी आएगा गाइस असली मजा कराते हैं इन दोनों के बीच में आमने सामने वाली फाइट। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पर सरप्राइजिंगली एल टोरो ने एक्स मैक्स को उठा के फेंक दिया है ऊपर और एक्स मैक्स इसके ही ऊपर क्रैश हो चुकी है। ओ माय गॉड मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस एल टोरो आरसी कार इतनी ज्यादा पावरफुल है। देखो गाइस एक्स मैक्स ऑन द मूव यहाँ पे गिर चुकी है और एल टोरो को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ गाइस क्योंकि दोनों के व्हील्स टकराए थे। इसका व्हील देखो पूरा का पूरा फट चुका है। यहाँ पर व्हील डैमेज करके रख दिया यार एक्स मैक्स ने। अभी देखते हैं एक्स मैक्स के व्हील को कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है जर्रा बराबर भी इसके व्हील के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पर। अभी टग ऑफ वॉर कराते हैं इन दोनों के बीच में। अभी देखेंगे गाइस कौन जीतता है। यहाँ पे ट्रैक्सेस एक्स मैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। एल टोरो आरसी कार पूरी तरीके से ब्रेक्स भी लगाने की कोशिश कर रही है पर ट्रैक्सेस एक्स मैक्स ने इसको धूल चटा के रख दिया है पूरी तरीके से टग ऑफ वॉर में। अभी जिमनी और डब्ल्यूएल टॉयज को एक तरफ बांध दिया है मैंने, दूसरी तरफ ट्रैक्सेस एक्स मैक्स को बांध दिया है। देखते हैं ये दोनों आरसी कार्स मिलकर ट्रैक्सेस एक्स मैक्स को टॉप फोर में हरा पाती है यानी। यहाँ पे भी देखो यार ट्रैक्सेस एक्स मैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल निकली। इसने तो यार पूरी तरीके से धूल में मिला के रख दिया है जिमनी को और डब्ल्यूएल टॉयज को। देखो गाइस किस तरह से घसीट के लेके जा रही है दोनों को, धूल चटा के रख दी है यहाँ पे भी। अभी एकदम खतरनाक वाला टेस्ट करेंगे। ट्रैक्सेस एक्स मैक्स के पीछे मैंने मेरी कार को बांध दिया है। देखते हैं गाइस इतनी भारी भरकम कार को ट्रैक्सेस एक्स मैक्स खींच पाती है यानी। कार को मैंने न्यूट्रल में कर दिया है। अभी इसको मैं धीरे धीरे से चलाऊंगा गाइस, धीरे धीरे से स्पीड बढ़ाऊंगा। देखते हैं मेरी कार को ये हिला पाती है यानी। ओ माय गॉड गाइस ट्रैक्सेस एक्स मैक्स देखो यार मेरी कार को तक खींच के लेके जा रही है। आप खुद सोचो गाइस ये कार कितनी ज्यादा भारी भरकम है। अभी मैं आपको पीछे भी दिखाता हूं गाइस। देखो कार के पीछे कोई भी नहीं है, इसको कोई भी धक्का नहीं मार पा रहा है। सिर्फ ट्रैक्सेस एक्स मैक्स इसको खींच के लेके जा रही है यार। अनबिलीवेबल पावर है गाइस ये कार के अंदर। अभी इसकी रबर जलने की बू आ रही है यार मेरे को। अभी ड्रिफ्ट टेस्ट करेंगे। सबसे पहले डब्ल्यूएल टॉयज को ड्रिफ्ट कराते हैं गाइस। ये कार बहुत कमाल तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है पर ट्रैक्सेस एक्स मैक्स एकदम बवाल तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। देखो गाइस यहां पर तो इसने पूरा का पूरा डिजाइन बना के रख दिया यार। ओह माय गॉड मजा आ गया इसको ड्रिफ्ट करा के। क्लाइंबिंग टेस्ट करते हैं। बहुत ही कम कार से जो कि ये मिट्टी के पहाड़ के ऊपर से जंप कर पाई है। एल टोरो के अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है गाइस, देख सकते हो ये रुक चुकी है यहाँ पर। अभी डब्ल्यूएल टॉयज 12429 को चढ़ा के देखते हैं गाइस। ऑलमोस्ट ये चढ़ने ही वाली थी पर यहाँ पे मिट्टी बहुत ही ढीली डाली है इसे यार। देखो इसके पीछे के व्हील्स मिट्टी के अंदर फंस चुके हैं और ये भी यहाँ पर आकर रुक चुकी है। अभी देखते हैं ट्रैक्सेस एक्स मैक्स यहाँ से जंप मार के निकल पाती है यानी। जैसे ही मैंने हाफ ट्रिगर दबाया है देखो गाइस ये कार एकदम रॉकेट की तरह उड़ के यहाँ से निकल चुकी है। ये ट्रैक्सेस एक्स मैक्स बहुत ही टफ कार है यार। इसको तो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से भी फेंक के देखा है, इसको एक खरोच तक नहीं आई है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आने वाले दिनों में मैं ट्रैक्सेस एक्स मैक्स की कौन सी कार के साथ फाइट करा के आपको दिखा सकूं। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है रोहित, जितेंद्र सिंह, संपा चक्रवर्ती, सतीश, अनुष्का, मोहन, अनुराग, जितेंद्र पाल, अमर, सूरज। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।